रिया चक्रवर्ती एक के बाद एक एफआईआर करती जा रही हैं और इस एफआईआर का कोई ठोस सबूत या कोई ठोस वजह नहीं मिल रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त रिया ने सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर प्रियंका पर मोलेस्टेशन का केस भी डाल दिया है। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूं ज्योति नाहक। कहीं ना कहीं ये सुनने में भी और रियलिटी में भी बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्ट्रीक लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती जो कि सुशांत की गर्लफ्रेंड है, उन्होंने सुशांत की बहन पर मोलेस्टेशन का केस डाला है, विच आई डोंट थिंक सो दैट इट डज मेक सेंस। एंड इसको प्रूफ करने के लिए इस वक्त अब कोई भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि रिया के अकॉर्डिंग प्रियंका जो कि सुशांत की सिस्टर हैं, उन्होंने उनके साथ छेड़छाड़ की, दारू के नशे में उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। बट प्रियंका इज नॉट अ लेस्बियन एंड शी इज़ स्ट्रेट। ये बात यू नो वकील साहब ने भी कही थी, विकास सिंह ने, कि ये किस तरह का बेहुदा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और इस इल्ज़ाम का कोई बेस नहीं है। सो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती ऐसा लग रहा है कि इस वक्त बौखलाई हुई हैं, क्योंकि उन्हें अपने डिफेंस में कुछ मिल नहीं रहा है। सो इस चीज़ की वजह से लगातार वो कोई ना कोई स्टेप उठाती जा रही हैं जो कि उनके ही अगेंस्ट बैकफायर कर रहा है, क्योंकि उन्होंने आज तक पर जो इंटरव्यू दिया उसके बाद भी उन पर बैकफायर हुआ, उसके बाद लगातार वो जो भी इल्ज़ाम लगा रही हैं वो उसके अगेंस्ट ही बैकफायर हो रहा है। तो अब देखना होगा कि इस केस का, इस चीज़ का क्या कुछ जवाब देती है सुशांत की फैमिली।